जब उस प्रेमी को न मिला उसका प्यार, तो उसने प्रेमिका की ले ली जान। वहसीपन की सारी हदें की पार, युवती से दुष्कर्म की कोशिश, प्राइवेट पार्ट को किया जख्मी। बेटा के बलियान गांव की रहने वाली एक महिला के साथ उसके पूर्व प्रेमी धीरज ने वहसीपन की सारी हदें पार कर दी। दरअसल वो महिला अपने ही गांव के धीरज नाम के शख्स से प्रेम करती थी, जिसके बाद उसने धीरज से नाता तोड़ लिया। लेकिन धीरज उसे परेशान करता था। इस बार उसने मौका देख अपने एक साथी के साथ मिलकर महिला से दुष्कर्म की कोशिश की। दुष्कर्म में कामयाब न होने पर उसने महिला के प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लोग घाट लगाए हुए थे, घाट लगा करके ये घटना घटा दी। क्या हुआ? बलात्कार किया, बलात्कार करके शरीर में रड कस दिया, कपड़ा मुंह में लगा दिया, साड़ी लगा करके, उसी के साड़ी लगा करके रड कस दिया सर। वो शादीशुदा औरत थी, उसके चार बच्चे भी हैं। सुमन का पति पेशे से मजदूर है। परिजनों के मुताबिक सुमन का धीरज से कुछ माह पहले प्रेम संबंध था, लेकिन परिवार के दबाव के कारण सुमन ने धीरज से नाता तोड़ लिया था और ये बात धीरज को नागवार गुजर रही थी। गुस्साए धीरज ने इस निर्मम और विभीष घटना को अंजाम दे दिया। परिजनों का कहना है कि उन्होंने युवती को जख्मी हालत में परिजनों का कहना है कि सुमन जब जख्मी हालत में घर में आई तो उसका काफी खून बह रहा था। मानवता को शर्मसार कर देने वाली इस घटना ने पूरे नौबतपुर क्षेत्र को दहला दिया है। मृतका के घर में भी मातमी सन्नाटा पसरा है, पर अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंसाफ का इंतजार है। बहरहाल आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, पर इस घटना ने एक बार फिर निर्भया कांड की याद भी दिला दी है। गुनाह के लिए बेहटा से संतोष कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।